बैठो इधर। 5 cot θ = 3, तब 5 sin θ - 3 cos θ, 4 sin θ + 3 cos θ का मान कितना होना चाहिए? सबसे पहले यहां लिखो कि 5 cot θ = 3, तो cot θ = 3/5। अब यहां हो गया cot थीटा का सूत्र होता है b/t, एच निकालना है ना, एच बराबर पी स्क्वायर जोड़ पी का मान 5 का स्क्वायर, बी का 3 का स्क्वायर, 25 + देखिए इतना हो जाएगा, जोड़ के 34। एच का मान आ गया 34। अब दिया गया व्यंजक में है 5 sin θ - 3 cos θ / 4 sin θ + 3 cos θ। 5 × sin θ यानी लंब बटा कर्ण, 5/√34 माइनस 3 × 3/√34, नीचे हो जाएगा 4 × 5/√34, आई हो जाएगा 3 × कितना हो जाएगा 3/√34। मान रख दिया गया। अब यहाँ पर गुणा होगा 25/√34 - 9/√34, आई हो जाएगा 20/√34 + 9/√34। बाटा पर का जोड़ बनाएगा ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो हो जाएगा 25 - आई हो जाएगा नीचे में 34, तो 20 + 9, यहाँ हो जाएगा कितना, घट जाएगा 9, तो 16/√। आई जब पलटेगा तो रूट 34 इधर जाएगा, जुट के 29 इधर आ जाएगा, यानी 16/29 हो जाएगा। क्या